मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वायु की गतियां और वायु की गतियों के अंतर्गत पढ़ेंगे हम पवनों के प्रकार। पवन दो प्रकार की होती है, स्थाई और अस्थाई। स्थाई पवनों को भी हमने तीन भागों में बांटा है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। इसी तरह से अस्थाई पवन है मानसूनी, स्थानीय और समीय। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनों के बारे में। पवनों के चलने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला है वायुदाब का अंतर। जैसे ये वायुदाब है, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से कैसे चलेंगे, निम्न वायुदाब की तरफ। और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। देखिए इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो जो पवने चलती हैं उसके घूमने की वजह से पृथ्वी के उसमें विक्षेपण आ जाता है। इसी विक्षेपण को हम कोरिओलिस बल भी कहते हैं। उसी से जोड़ते हुए फेरल ने नियम दिया है कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे। ये गोला, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पे हमें ये विषुवत रेखा निम्न वायुदाब है, ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में, ये हमारा विषुवत रेखा निम्न वायुदाब है। इसे हमने पिछली कक्षा में समझा था। इसी तरह से ये उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की बेटी। इसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। अब हमने ये जाना कि वायुदाब का अंतर, यानी कि हवाएं उच्च वायुदाब से कहाँ चलती हैं, निम्न वायुदाब। ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब और ये भी निम्न वायुदाब, यानी कि पवन यहाँ से उच्च वायुदाब की तरफ चली निम्न वायुदाब की तरफ, और फिर यहाँ से इधर भी चलेगी निम्न वायुदाब की तरफ। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, यानी कि पवन इधर चलेगी और इधर चलेगी। इसी तरह ये उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब, यानी पवन कहाँ से कहाँ चलेगी, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, अब ये पवन चलेगी ऐसे। यानी कि पहला कारण हमने समझ लिया, वायुदाब का अंतर। लेकिन ये पवन सीधे सीधे नहीं चलेगी, ये पवन घूम के चलेगी। अब घूमेगी कैसे, फेरल का नियम है, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में पवने अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी। अब दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि दाहिनी तरफ कैसे मुड़ते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी चीज का फेस जानना होगा, फेस की तरह। जैसे मेरा फेस इधर है तो मेरा दायां किधर होगा, इधर होगा। अब यही मेरा फेस इधर हो गया तो मेरा दायां किधर हो गया, इधर हो गया। अब इसको यहाँ समझें, जैसे ये पवन है, इसका फेस इधर है, अब इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। यानी कि पवन ऐसे घूम जाएगी, ये देखिए, ये पवन ऐसे घूम के चलेगी। अब इधर फेस ऐसे है, फेस इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। यानी कि ये पवन ऐसे घूम जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फेस किधर है, इधर है, दायां किधर है, इधर होगा। यानी कि ये इधर घूम जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। अभी आपको दिशाएं समझ में, बिल्कुल इसी तरह से आप आइए अब दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में पवने बाईं तरफ घूम जाती हैं। ये देखिए मेरा फेस किधर है, इधर। अब मेरा बायां किधर है, इधर। यानी कि ये हवा घूम जाएगी इधर ऐसे। समझ में आई इसकी दिशा, अब ये नीचे देखिए, इधर मेरा फेस इधर है, अब मेरा बायां किधर है, मेरा बायां हो जाएगा इधर, ठीक है ना। अब यानी कि ये हवा ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये फेस इधर है, मेरा बायां किधर होगा, ये समझ में आ गई दिशा आपको। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। ये और ये हमारी है पछुआ पवन। और ये हमारी ध्रुवीय पवने, और इसी तरह से ये भी हमारी, ये जो इतना पार्ट है, ये हमारी ध्रुवीय पवने, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इन पवनों की दिशा वर्ष भर समान रहती है, इसलिए इसे हम स्थाई पवने कहते हैं। अब पवन की दिशा को हम ऐसे देखें, अगर व्यापारी पवने कैसे चलती हैं, अब व्यापारी पवनों की दिशा देखो ऐसे है, ऐसे। तो व्यापारी पवन किधर से चली, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ये हमारी व्यापारी पवन है। इस तरह से हम सारी दिशाएं निकाल सकते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्थाई पवन, ठीक है। अब आपका होमवर्क, ये पूरा ग्लोब आपको बनाना है,
और इस ग्लोब में दिशाएं आप हमारे सामने कल यहीं पर भरेंगे। ठीक है, थैंक यू।